जो गुरुदेव है वो सब खा के शुक्र मनाना सीखिए। कहते जो भी गुरु के भाड़े में रहता है उनके वचनों पे चलता है। वास्तव में देखा गया आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा है, एक ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी, आप भी कहेंगे कि वास्तव में कि हम सभी अपने आप को कोसेंगे। वीडियो क्लिक करा पूरा देखना वीडियो, क्योंकि आपको ऐसी सच्चाई पता चलेगी कि वास्तव में हर कोई यही कहेगा कि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। ये एक सच्चाई है, कोई कहानी नहीं, कोई किताब की बात नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, जो आपसी बात है, जो एकदम ऐसी सच्चाई है कि एक संत महात्मा ने गुरु के वचनों का पालन किया, आज उसकी स्थिति क्या, मतलब कहां से कहां पहुंचा दिया कि रंग को राजा बना दिया। कहते पिंगले को पर्वत चढ़ा देता है सतगुरु और गूंगे से राग गवा देता है। तो कैसे गवा देता है आज आपको सारे एक बार बताऊंगा। वीडियो क्लिक किया तो पूरा देख लिया करो वीडियो। अक्सर देखा गया कि हमारे देखो आज जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, हम निरंकारी संत महात्माओं के बड़े बहुत बड़े मतलब एहसानमंद हैं कि इन सभी ने हमारे चैनल को मोनेटाइज कराया, सब्सक्राइबर बढ़ाए, वॉच टाइम बढ़ाया, और अब जो है हमारे सब्सक्राइबर देखते नहीं, 9000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, 10000 होने वाले, 9700 समथिंग मतलब 10000 होने वाले हैं, मगर 10000 5000 व्यू भी नहीं आते 24 घंटे के, 48 घंटे में 36 घंटे में भी नहीं आते। तो सब्सक्राइबर भाई नहीं देखते, कृपया देख लिया करो। आज की बात जो आपको बताने वाला बहुत ही ऐसी बात है कि एक महात्मा की बात है, वो सालों से एक ही सेवा में लगे रहे, और जब बहन जी ने कुछ पूछा तो क्या जवाब दिया, बहन जी हैरान रह गई कि बताओ ऐसा हम पता नहीं हम सब लोग क्या क्या सोचते हैं कि बिरले ही होते हैं। कि कहावत है ना कि सत्संग की दो घड़ियां कोई करे नसीबों वाला। वास्तव में हम कल के वीडियो में यही सारी बातें बताई थी कि ये दो घड़ी जो है बहुत ही कीमती होती है, और कहते सदगुरु के वचनों पे कोई बिरला ही चल पाता है। हम ना जाने कितने लोग हजारों की संख्या में करोड़ों की संख्या में सत्संग करते हैं, गुरु के वचनों को सुनते हैं, आदेशों को सुनते हैं, पालन भी करते हैं, मगर कैसे करना है वो हम नहीं कर पाते। हम सब पढ़ते भी है, सुनते हैं और सुनाते भी हैं कि जो सदगुरु के वचनों को मारेगा उसका उद्धार है, उसका बेड़ा पार है, उसको मोक्ष प्राप्ति है, उसको निज घर में वासा मिल जाएगा। तो ये हम सब कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, फिर हम उसको मानते क्यों नहीं? और कुछ बिरले ही हैं जो मानते हैं, उनका बेड़ा पार है। हम सुनते हैं कि हमारे पास पहले साइकिल भी नहीं थी, आज हमारे पास चार चार गाड़ियां हैं, पहले हमारे पास किराए देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, आज हमारे 10-10 मकान हो रहे हैं, पहले हम छोटी सी नौकरी किया करते थे, आज हमारे बिजनेस चारों तरफ फैले हुए हैं। तो ये क्यों? कहते जो इसके भाड़े में रहना जानता है, जो गुरुमत में पूरी तरह से अपने आप को ढाल लेता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो ऐसी एक बात आपको बताने वाला हूँ सच्चाई, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे अगर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, चाहे आप हमारे संत महात्मा या कोई और भी भाई देखे तो जरूर करना। कहते हैं आप जब सभी लोग हमारा वीडियो देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, तो हमें भी हौसला मिलता है, बल बढ़ता है कि वीडियो रोज डालें। वैसे भी आप लोगों ने हमारा एक मकसद सा बना दिया है, आप लोगों का लाड़ प्यार आशीर्वाद है कि चैनल मोनेटाइज हो गया, चार पैसे की कमाई होने लगी है, तो वीडियो बनाने का मन भी करता है। जब आप लोग कम देखते हो, देखते नहीं, रीच कम चली जाती है, वीडियो क्लिक नहीं होता है, थंबनेल मेरा क्लिक नहीं होता है, तो थंबनेल भी बदलते रहते हैं, कभी कैसा, किसी थंबनेल पे क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाए तो व्यू बढ़ेगा, चार पैसे बढ़ेंगे। तो आज एक बात आपको बताने वाला हूं मैं कि एक महात्मा सालों से एक ही सेवा में, और वो टॉयलेट की साफ सफाई में। और बहन जी ने हमें खुद बताया, यही जहां मैं वीडियो बना रहा हूँ यही आना जाना, बहन जी का हमारे किसी काम से आई थी, अपना चश्मे का काम है, तो बहन जी चश्मा बनवाया था, आई थी तो बताया कि यार महापुरुषों एक बात बताऊं आपको, एक महात्मा जी हैं, हमें सालों से मिले थे, पहले ना जाने कितने साल पहले मिले, तब भी देखा तो वही सफाई, आज भी देखा वही सफाई, और महात्मा जी से जब हमने पूछा तो जवाब उन्होंने ऐसा दिया कि वास्तव में जवाब तो मैं आपको बताऊंगा, बस आप पूरी तरह से वीडियो पे आ जाओ, पूरी तरह से कान इधर लगा लो, आंख दिल दिमाग से पूरी तरह वीडियो में आ जाओ, तब बताऊंगा। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूँ, हम सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सुमरण करते हैं, सबसे पहले कितना भी कुछ कर ले, अगर हम गुरु के वचनों का पालन नहीं करते ना, तो हमारा उद्धार नहीं, कोई दुनिया में कोई है ही नहीं। एक गुरु है जो हमारा पार उतारा कर सकता है, एक गुरु जो है जो मोक्ष दिला सकता है, एक गुरु है जो हमें निज घर में दिला
गुरु के अलावा दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई इतनी धन दौलत कुछ भी नहीं है जो हमें निज घर में वासा दिला सके। एक गुरु के वचनों का जब तक हम पालन नहीं करेंगे, हमें ये भ्रम रहेगा और भ्रम में ही जीते रहेंगे कि हमें मोक्ष मिल जाएगी, आत्मा को शांति मिल जाएगी, आत्मा को निज घर मिल जाएगा। तब मिलेगा जब आप मास्टर की बात मानोगे, जब मास्टर ने जो कहा, आसे अनार कहे चाहे आसे आम कहे, अगर मास्टर ने आसे आम कहा है तो आप आम ही कहो। अब ये मत बोलो आसे अनार भी होता है, आसे अंजीर भी होता है, आसे बहुत कुछ होता है। तो गुरु के वचनों का पालन करना हमारे लिए, कहते हैं ये बहुत बड़ा काम है, इस पे चलना बहुत मुश्किल है, और जिसने मान लिया वास्तव में देखा जाए उसी का बेड़ा पार है। तो ये कैसी बात, कहते हैं हम सत्संग जाए, सेवा करें, कुछ भी करें, मगर एक भी वचन, हम सत्संग जाते हैं वहां जो हम देखते हैं स्टेज पे जो महात्मा जी, वो महात्मा जी का शरीर बैठा होता है, बोल सदगुरु रहा होता है, परमात्मा रंग का ब्रह्म बोल रहा होता है, वो वचन एक शब्द जो है वहां जितने 100, 200, 1000, 500 जितने लोग बैठे संत महात्मा, जितने सत्संग में अंदर बैठे, वो सब पे लागू होता है। जिस तरह से बरसात होती है, बरसात इस मोहल्ले में हो रही है तो सबके लिए बारिश हो रही है, तुम्हारी छत खुली तो तुम्हारी छत से पानी आएगा, तुम्हारी छत अगर टूटी फूटी है तो बारिश का पानी नीचे आएगा, अगर नाली आपकी जाम है तो उसमें घरों में पानी भर जाएगा, मगर आपके लिए नहीं, बारिश सबके लिए हो रही है। अब आपकी छत सही नहीं है, आपने चादर बिछा रखी वो भी छेद वाली, तो आप भीगोगे कि नहीं, आपको तकलीफ होगी कि नहीं। तो ऐसे सत्संग में एक शब्द आता है वो जहां जितने सभी लोग बैठे वो शब्द सब पे लागू होता है, वो कोई समझ गया उसको अपने दिमाग धीरो दिमाग में उतार लिया और अपने जीवन में ढाल लिया, कर्मों में ढाल लिया, तो कहते ज्ञान क्रम में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए, अक्सर शिकायत करते वीडियो आप बहुत गोल गोल घुमाते हो, हम छोटी सी बातें वीडियो खत्म करते हैं। तो संत महात्मा बहन जी कह रहे हैं महापुरुषों को ना जाने में सालों से जानती हूं मैं, और सालों से कई बार जब भी नजर पड़ी वो टॉयलेट की साफ सफाई में लगे रहते हैं, टॉयलेट जहां भी सेवा समागम में तो वहां पे टॉयलेट जो बनता है वहां पे, वहां देखा पुराणी वहां समागम में, जहां भी देखा टॉयलेट की साफ सफाई में, उसके अलावा उनकी दूसरी सेवा तक मैंने देखी ही नहीं। और जब रहा नहीं गया तो मैंने उनसे पूछ दिया कि महापुरुष एक बात पूछे, अक्सर आपको देखा सालों से देख रहे हो कि आप एक ही सेवा करते जब भी, तो महात्मा जी ने इतना अच्छा सुंदर जवाब दिया कि बहन जी क्षमा करना, ये सदगुरु का हुक्म है, आदेश है, और जब सदगुरु ने आदेश दिया था इस सेवा में तो दास के पास कुछ भी नहीं था, एकदम कंगाल था, नमस्कारी तक के भी पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे, घर का खर्च बड़ी मुश्किल, आज दाता की कृपा से इसी सेवा से टॉयलेट सेवा से करते करते सदगुरु के पास है, आज दास के पास किसी चीज की कमी नहीं है, हर एक चीज है, गाड़ी बंगला घर मकान बैंक बैलेंस मतलब, और सब लोग सुखी है, पूरा परिवार सुखी है, हर चीज से धन धान से कोई मतलब हमारे पास ऐसी चीज नहीं जो चीज होना, तो सब दुनियावी चीज हमारे पास है बस इसी सेवा से, और आशीर्वाद दो कि यही सेवा करते रहे। और हमें बददाता ने जो दे दी सदगुरु बाबा ने, आज से नहीं बाबा जी के जमाने की सेवा, आज भी उसी सेवा में लगे हैं। तो जरा सोचो कि सदगुरु का एक वचन माना, सदगुरु ने हुक्म किया कि इनको यहाँ लगा दो, तुम ये सेवा करो, आज भी उसी सेवा में लगे हैं, तो लगे हैं कि दूसरी सेवा मिलेगी तो कर लेंगे नहीं, ये सेवा तो करनी ही करनी है, बस यही सेवा में लगा के वही करते रहो करते रहो, कि मालिक ने हमें काम दिया हम कर रहे, अगर हम किसी और से वो काम करवाए मालिक तो हमें देगा ना, उसको थोड़ी, उसको तो हमने लगाया, मालिक ने बोला ये काम करो तुम वो काम करो, मालिक इस काम के पैसे देगा उसके काम के थोड़ी पैसे देगा, तो मालिक के हुक्म में रहना सबसे बड़ी समझदारी है। हम लाख सेवा सत्संग करें सुमरन करें चाहे कुछ भी करें सेवा, चाहे धन की चाहे करोड़ों करोड़ों कर दें अरबों कर दें, अगर वचनों पे नहीं चल रहे तो हमारा उद्धार होना मुश्किल है। साफ साफ कहा जाता है सत्संग में, हम वचन सुनते हैं किसी के वचन सुन लो, सब पे यही है कि सदगुरु के वचनों के अलावा कुछ नहीं है, हम कुछ भी कर लें कितने भी अच्छे मुख से अपने वचन कह दें, अगर सदगुरु के बताए हुए वचन तन मन धन परमात्मा देन है ये तीन मान के अगर हम चल रहे हैं तो भी पार उतारा है। तो ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए यहीं पे विराम लूंगा, सभी संत महात्मा निरंकारी जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट भी चाहिए आप लोगों का, सहारा तो आप लोगों को दिया है तो देते रहो, कहते सर पे बिठा के धड़ाम से नीचे मत गिराओ दुख होता है, तो आप लोग जो भी है वीडियो देख लिया करो, हो सके तो शेयर कर दिया करो शेयर।
तो बस आज का वीडियो यहीं पे विराम लेता हूँ, ज्यादा लंबा ना करते हुए, और सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अंत में यही कहूंगा कि लाख सेवा लाख सत्संग, दिन रात सुमरण करो, दिन रात सत्संग करो। अगर हमने गुरु के वचनों का पालन नहीं किया तो पार उतारा होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गुरु के आदेशों का पालन करना है। गुरु ने कहा है ये सात संगत ज्योति संत महात्मा जो सदगुरु के सर का ताज, बाबा हरदेव जी ने सर का ताज बताया है, सात संगत को माँ बताया, और माँ से कहते गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, और सबसे पहली जो हमारी गुरु है वो होती माँ, क्योंकि वो हमें पहले चलना फिरना सिखाती है, हमको पाल पोस के बड़ा करती है। तो कहते हैं सात संगत माँ है, माँ से कभी चोरी नहीं, छल कपट नहीं, झूठ नहीं बोलना, सम्मान मतलब हर हाल में पूजनीय, माँ का कभी अपमान नहीं करते, माँ हर हाल में पूजनीय होती है, चाहे माँ हमें मारे, गाली दे, धिक्कारे, खिलाए ना खिलाए, कभी अपमान नहीं करते हैं माँ का। तो बस सात संगत माँ होती है। तो सब संत महात्माओं भाई बहनों माताओं का आदर सम्मान करें, और जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार भाई बहन जो भी हैं सभी के लिए प्यार वाला नजरिया होना चाहिए, सभी का आदर सत्कार करें, मान सम्मान करें, बस यही है। और गुरु के वचनों को अगर हम नहीं चल पा रहे तो हम भ्रम में जी रहे हैं, हमें गुरु के वचनों पालन करना चाहिए। जैसे आपको एक छोटी सी बात बता दी, इससे ज्यादा क्या बोलूं, आप समझदार खुद ही हो। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी।